हाँ जी बेटा लोग, तो लास्ट क्लास में हम लोगों के बीच में डिस्कस हुआ था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इज सेम फॉर द होल टाइम पीरियड, बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल चेंज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है PRT/100, ये बात मैंने आपको बताई थी, और एज इक्वल्स टू बताया था P+I, इसमें से P कॉमन आ गया था तो क्या बचेगा आपका 1+RT/100। ये दो बातें डिस्कस हुई थी, ठीक है ना। अब हमारी जो बीच में बात हुई थी कि भाई यहां पे P क्या होगा आपका प्रिंसिपल, R क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आपका टी क्या होगा टाइम पीरियड, और ऐसा ही क्या होगा इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, और यहां पे ए क्या होगा अमाउंट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस की बात करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए अगर एस आई पी और आर और टी इन चार की बात करें, इन चार में से कोई तीन पता है तो फोर्थ की वैल्यू निकल आएगी, हाँ या ना। भाई अगर मैं जैसे आर की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा एस आई इंटू 100, बाकी दो चीजें कौन कौन सी बची पी और टी, ठीक है ना। अगर मैं टी की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी एस आई इंटू 100/R और पी, अगर मैं पी की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी एस आई इंटू 100/R और टी। नहीं आया है समझ में, ये बातें डिस्कस हो गई थी, एक दो क्वेश्चन भी करे थे हम लोगों ने, है ना। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन है आपका 5 सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो आपसे पूछा क्या है सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, हाँ या ना। आपसे क्या पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। अब ऐसा ही बराबर होता क्या है PRT/100, हाँ या ना। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा 4,000 × 5 × 6/100। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे कितना आ जाएगा ₹1,200 का इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर यहीं पे मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा तो क्या करेंगे 1,200 में क्या कर देंगे प्रिंसिपल जोड़ देंगे, हाँ या ना। तो कितना आ जाएगा ₹50,200 अगर ये अमाउंट पूछेगा तब की बात है। अब जैसे क्वेश्चन है आपका फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,600 फॉर 4 ईयर्स 2 मंथ एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। सबसे पहले बताइए ये 4 साल 2 महीने का मतलब क्या हुआ। भाई 4 साल तो पूरे हो गए, 2 महीने को साल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो 2/12 माने 4+2/12 ये हो गया 1/6, माने 4+1/6 कितना हो गया 25/6 ईयर्स। 25/6 ईयर्स माने अब ऐसा ही बराबर क्या होगा 5,600 × 25/6 और × 8/100 तो आना ही आना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस आई की वैल्यू निकल आएगी, हाँ या ना। कितनी आ रही है वैल्यू कैलकुलेट करिए 1,866.67 मान लिया अप्रोक्स में, ये आपका आंसर निकल आया। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई,
किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो टाइम चाहे मंथ में भी दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये तो ऐसा ही पता करने वाली बात हो गई। अब बात करेंगे रेट ऑफ प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट वैल्यू से। अगर क्वेश्चन या तो प्रिंसिपल भी पूछ सकता है या प्रेजेंट वैल्यू भी पूछ सकता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है इसने, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट विच सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years इज रुपीज 432, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, अब आपसे प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? अच्छा, ये जो 432 ये क्या है? इंटरेस्ट है। और ये क्या है? टाइम है। और ये क्या है? रेट है। तो SI बराबर भाई सॉरी P बराबर क्या होगा? SI इंटू 100 अपॉन RT। SI कितना है? 432 इंटू 100 अपॉन R कितना है? R कितना है? 8। T कितना है? 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर बताइए कितना आएगा? ₹900। क्लियर हो गई बात या देवी? समझ में आ गया या नहीं आया? अब एक क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹4,300 इन 6 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। अब ये जो 4,300 है ये क्या है? ये इंटरेस्ट नहीं है भाई। कह रहा है ₹4,300 मिलते हैं, माने इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है। माने ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका टाइम, और ये हो गया आपका रेट। अब ए बराबर क्या होता है सर? ए बराबर क्या होता है? पी 1+RT/100। हाँ है ना? तो ये हो गया 4,300। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पी ऐसा का ऐसा ही 1+R × T कितना हुआ? 6 × 4 कितना हुआ? 24/100 का मतलब कितना हुआ? 0.24। तो ये 1+0.24 करेंगे तो 1.24 हो गया। हाँ है ना? तो ये 1.24 डिवाइड में डालेंगे, पी की वैल्यू निकल आएगी। हाँ है ना? कितना आएगा? पी इक्वल्स टू रुपीस, ये आ गया सर, समझ में आ गई बात या नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू विच विल यील्ड ऑफ रुपीज 832 इन 4 years एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। बेटा यील्ड का मतलब होता है इनकम से। यील्ड का मतलब किससे होता है? इनकम। इनकम का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट। इनकम का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट। माने ये आपको क्या दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपसे पी पूछा है। नहीं आया है समझ में? अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे बेटा? तो सीधे सीधे पी निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 832 इंटू 100 अपॉन 4 × 2 10,400। ये आंसर निकल आया। समझ में आ गया है नहीं आया बेटा? लोग
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रेट की बारी। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड अ सम ऑफ रुपीज 4,300 will yield the income of rupees 1,290 in 5 years. हाँ भाई, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट माने आर पूछ रहा है, सम ऑफ रुपीज माने ये क्या हो गया आपके लिए, प्रिंसिपल हो गया, ये क्या है इनकम है, इनकम माने क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, हाँ है ना, और ये क्या हो गया आपका टाइम हो गया। आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर बराबर क्या होगा एस आई माने 1,290 इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है 4,300 और इंटू टाइम कितना है 5, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है 6% पर एनम। समझ में आया बेटा या नहीं आया, किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ सरकार, किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड अ सम ऑफ रुपीज 10,000 विल अमाउंट टू रुपीज 12,000 इन 6 years। हाँ जी सर, अब ये 10,000 क्या हुआ प्रिंसिपल हो गया, ये 12,000 क्या हुआ अमाउंट हो गया, हाँ है ना बेटा, एक बार बताओ प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे इंटरेस्ट बोलेंगे, हाँ है ना, तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 2,000 रुपए, ठीक है ना, प्रिंसिपल आपको बताइए टाइम आपको बताइए आर निकल जाएगा, हाँ है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10,000 और डिवाइड बाय 6, यह आ गया 3.33%। समझ में आ गई बात या नहीं आई, पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट should a sum of money increases by 100% of itself at the rate in 8 years। सर क्वेश्चन इस फॉर्म से भी आ सकता है, इन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर पता करना है, आवाज नहीं आ रही है, शुड अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेस बाय 100%, इंक्रीजेस बाय मतलब अगर मैं प्रिंसिपल 1 रुपए मानू तो अमाउंट कितना होगा 2 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 1 रुपए का इंटरेस्ट हुआ, हाँ है ना, और टाइम कितना है 8 इयर्स, प्रिंसिपल आपको बताइए 1 रुपए, आप 1 की जगह कुछ भी मान लो 100 मान लो तब भी वही आएगा, आवाज नहीं आ रही है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा भाई, इंटरेस्ट कितना है 1 into 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 1 और टाइम कितना है 8, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया 12.5% पर
है ना। समझ में आ गया या नहीं आया बेटा लोग? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेस टू 450% ऑफ इट्सेल्फ इन 14 ईयर्स। हां जी सर, ये पूछ रहा है। अब ये बताइए एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर पूछ रहा है आपसे, अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेस, क्या लिखा है? टू। देखो इंक्रीजेस बाय और इंक्रीजेस टू में डिफरेंस होता है। इंक्रीजेस बाय का मतलब होता है इतना ऐड और करना है, और इंक्रीजेस टू का मतलब होता है यहां से यहां तक। नहीं आया समझ में? तो अगर हम प्रिंसिपल एक रुपए माने तो अमाउंट कितना होगा? 4.5 रुपए होगा, हाँ या ना? इंटरेस्ट कितना, वो अमाउंट कितना होगा? 4.50 रुपए, 4.50 रुपीज। तो इनके बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट हो गया, हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 3.5 रुपए, 3.50 रुपए, 3.50 रुपीज। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो टाइम कितना है? 14 ईयर्स। फिर दोबारा हम आर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 3.50 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपए, और टाइम कितना है? 14 ईयर। 25% पर है ना। समझ में बेटा आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा अब जैसे एक क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। हाँ जी साहब, इन ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। अब बताओ जरा प्रिंसिपल 1 रुपए तो अमाउंट कितना होगा? ये इंक्रीजेस टू वाली बात हो गई, ये किसकी बात हो गई? इंक्रीजेस टू वाली बात हो गई। तो मतलब अगर प्रिंसिपल 1 रुपए मान रहे हो तो अमाउंट कितना हो गया? 3 रुपए हो गया, ट्रिपल इटसेल्फ का मतलब। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 2 रुपए हो गया, हाँ है ना? और टाइम कितना रखा है? 8 साल। तो आर की वैल्यू पूछ रहा है, आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 100 डिवाइड बाय पी कितना है? 1, और टाइम कितना है? 8। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 25%। बात समझ में आई या नहीं आई? किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ सरकार, किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। इंक्रीजेस बाय इंक्रीजेस टू दोनों क्लियर हो गए, ट्रिपल इटसेल्फ 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अरे मालिक ठीक है। इंक्रीजेस 2 के बराबर मानेंगे ना, 1 रुपए का 3 रुपए हो गया। कहने का मतलब तो अगर मैं कहता 300% हो गया तो भी 1 रुपए का 3 रुपए। इंक्रीजेस 2 300%, और बाय होता तो उसमें जोड़ देते आप। अब मान लीजिए सर एक क्वेश्चन गिवन है आपको, हाँ जी देखिए, तो देखिए इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 बी इंक्रीजेस बाय
रुपीज 480 व्हेन द टाइम पीरियड एक्सटेंडेड फॉर 5.5 year टू 7.5 year, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है सर। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000, माने ये प्रिंसिपल हो गया आपका, हाँ है ना, बी इंक्रीजेस बाय इतना, माने सिंपल इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है व्हेन द टाइम पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम आएगा यार, फ्रॉम 5.5 year टू 7.5 year, माने 5.5 साल से 7.5 साल हो गया, तो प्रिंसिपल आपका 4000 फिक्स है। आवाज नहीं आ रही है। इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना है 480, कब, जब टाइम पीरियड 5.5 साल से 7.5 साल हो गया, माने कितना एक्स्ट्रा टाइम हुआ, 2 साल, माने ये 2 साल का इंटरेस्ट हुआ, हाँ है ना, तो टाइम हो गया 2 साल। अब ये पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, तो क्या हो जाएगा 480 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 4000, 6% पर एनम। मालिक समझ में आया नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छा, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है इफ द सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय रुपीज 1200 फॉर 6 years व्हेन द प्रिंसिपल विल चेंज फ्रॉम रुपीज 4000 टू रुपीज 6000, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन है, सर सेम क्वेश्चन है, अब की क्या बढ़ रहा है, प्रिंसिपल बढ़ रहा है, कितना बढ़ गया 2000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारे लिए 2000, ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना हमारा 1200, अरे बोलते क्यों नहीं मालिक, और टाइम कितना हमारा 6 साल, ठीक है ना, रेट पूछ रहा है आपसे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1200 इंटू 100 डिवाइड बाय 2000 और 6 कितना आ गया 10% पर एनम। आप ये सारा काम कैलकुलेटर पे कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के पर्पज से शो करके दिखा रहा हूं। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ ये बताइए, नहीं आया समझ में अभी भी, किसको किसको समझ में नहीं आया ये बताइए, ठीक है ना, ये रेट की बात हो गई। देखो पी पता लग गया, आर पता लग गया, अब क्या रह गया टाइम, क्वेश्चन है
इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ रुपीज 12,000 विल अमाउंट टू रुपीज 15,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। हाँ भाई, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? बोलो भाई, इधर देखो, प्रिंसिपल कितना हुआ, अमाउंट कितना हुआ, बोलते क्यों नहीं हो, इंटरेस्ट कितना हुआ? तो प्रिंसिपल हो गया 12,000, इंटरेस्ट हो गया 3,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8% पर एनम। टाइम पूछ रहा है आपसे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 100 अपॉन पी का मतलब 12,000 और आर का मतलब 8, तीन जीरो से तीन जीरो कट गया, ये 1 जा, ये 4 जा, ये 4 जा, ये 25 जा, 25 अपॉन 8 का मतलब कितना आ गया, 6.25, 3.125, माने टी इक्वल्स टू 3.125 ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल 12 महीने, 125 महीने, क्या करेंगे अगर मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 3 इयर्स तो पूरे हो गए, प्लस 0.125 की इंटू 12 कर देंगे, 12 मंथ से, हाँ है ना, कितना आया 1.5 मंथ, माने 3 इयर्स एंड 1.5 मंथ। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? नहीं आया है समझ में भाई, 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, तो इसलिए इंटू 12 करेंगे। अरे मालिक, समझ में आ गया सभी को भाई, 1 साल में कितने महीने, तो 0.25 में कितने ईयर, 0.125 ईयर में कितने मंथ, तो 0.125 की इंटू 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दी। नहीं समझ में आया यार, इसको मल्टीप्लाई करो तो सही, तो 1.5 मंथ आ रहा है ना, उसका मतलब 1.5 मंथ हुआ ना। अरे मालिक ठीक है, 1.5 मंथ लिख लो, 0.5 के अब मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 30 कर देंगे, तो 3 साल 1 महीने 15 दिन ऐसे मान लो। अरे सरकार ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी इंक्रीजेस टू 400% ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। हाँ जी सर, फिर वही इंक्रीजेस टू वाली बात आ गई। अब अगर प्रिंसिपल 1 रुपए तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, 4 रुपए 5 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 4 रुपए, क्योंकि इंक्रीजेस 2 लिखा हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना बना, 3 रुपए का इंटरेस्ट बना, हाँ या ना। प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, 4% टाइम निकल जाएगा, हाँ या ना। कैलकुलेटर देना जरा 1 मिनट। तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 100 अपॉन 1 × 4, कितना आ गया, 75 ईयर्स। समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय ₹250 व्हेन
द प्रिंसिपल इज रुपीज 8,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल चेंज इंटू चेंज फ्रॉम 4.5% टू 8.5%. देन फाइंड द टाइम पीरियड. हाँ जी सर, हो जाएगा? नहीं आया समझ में अभी भी? अब ये 250 रुपए बढ़ रहे, माने ये इंटरेस्ट हो गया. हाँ है ना? किसकी वजह से? 4% की वजह से. आवाज नहीं आ रही है. इंटरेस्ट हो गया 250, रेट हो गया 4%, प्रिंसिपल आपको 8,000 पता है. टाइम निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? अरे सर, टाइम निकल जाएगा या नहीं बताइए, कितना आएगा? टी इज इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट हो गया 4 और प्रिंसिपल हो गया 8,000. 0.125 ईयर्स. समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए. नहीं आया समझ में बेटा? लोग पीछे लास्ट में. ठीक, अब एक क्वेश्चन है. इफ अ सम ऑफ मनी प्रोड्यूसेस रुपीज 400 टू ईच मंथ एज अ इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, देन फाइंड दैट सम ऑफ मनी. पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं? अब ये जो 400 रुपए दे रखा है, ये हर महीने का इंटरेस्ट दे रखा है. भाई एक महीने को साल में कैसे लिखोगे? 1/12. एक महीने को तो माने टाइम पीरियड कितना हो गया? 1/12. ठीक है ना? इंटरेस्ट कितना है? 400 रुपए. रेट कितना है? 6%. ये बताओ प्रिंसिपल निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? भाई पी बराबर क्या होगा बताइए फटाफट. 400 इंटू 100 अपॉन टी और आर. तो आर ये लिख लिया, टी का मतलब 1/12 ऊपर लिख दू? हाँ है ना? Yes, नहीं आया समझ में अभी? तो ये 6 2 जा कट गया 80,000. नहीं आया समझ में अभी भी? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए. अब एक क्वेश्चन है. इफ अ सम ऑफ मनी इफ अ सम ऑफ मनी या अ सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 12,000 इन 9 years and will amount
टू रुपीज 14,000 इन 17 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आपका, जरा ध्यान दीजिएगा सर। ये कह रहा है इफ अ सम ऑफ मनी विल अमाउंट, इफ अ सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 12,000 इन 9 ईयर्स, 9 सालों में 12,000 होता है, एंड विल अमाउंट टू रुपीज 14,000 इन 17 और 17 सालों में 14,000 हो जाता है, तो जरा इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना हुआ। 2000 कितने साल का इंटरेस्ट हुआ? 8 साल का इंटरेस्ट हुआ। ये 8 साल जो बीते, इस 8 सालों में आपको क्या मिला होगा? इंटरेस्ट मिला होगा। तो 8 सालों का इंटरेस्ट 2,000 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा? 250 रुपए। नहीं आई बात समझ? प्रैक्टिकल बात करो आप मुझसे, मैं फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा हूं। आप मुझे बताओ, 8 सालों का इंटरेस्ट अगर 2,000 रुपए, तो हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है, हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? तो इंटरेस्ट हो गया 1 साल का 250 रुपए। बहुत ध्यान समझना, कितने साल का? 1 साल का। अच्छा, अब अगर 1 साल का इंटरेस्ट 250 रुपए, तो 9 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 2,250। अगर इस 12,000 में से वो इंटरेस्ट मैं माइनस कर दूं, तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। मतलब इस 9 सालों में, ये जो 9 साल का अमाउंट है, इसमें 9 सालों का इंटरेस्ट जुड़ा होगा, बाकी प्रिंसिपल जुड़ा होगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में भाई? ये जो अमाउंट है, ये कितने साल बाद का है? 9 साल बाद का है। माने इसके अंदर एक तो होगा प्रिंसिपल, और एक होगा 9 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट 250 रुपए, तो 9 साल का कितना हो गया? 2,250। ठीक है ना? अगर उस 2,250 12,000 में से माइनस कर दूं, तो मुझे प्रिंसिपल पता लग जाएगा। हाँ या ना? नहीं आया समझ में? तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 9,750 रुपए। ठीक है ना? अब ये रेट पूछ रहा है, रेट निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? नहीं आया समझ में अभी में? तो क्या हो जाएगा? 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 9,750 और डिवाइड बाय 1, तो 0 से 0 कट गया, ये 3 जा कट गया, बचा 12, 22, 9, 100/39 माने कितना आ गया आपका? 2.56% अप्रोक्स में। समझ में आया है नहीं आया ये बताओ सरकार? किसी को कोई दिक्कत? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इधर देखिए, इधर इफ राम डिपॉजिट रुपीज 1,000 ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है ना, देन After 3 month, he again deposit rupees 2,000. ठीक है ना? In his bank account. ठीक है ना? देन इन मंथ ऑफ
इन मंथ ऑफ अक्टूबर ही अगेन डिपॉजिट रुपीज 4,000 इन हिज अकाउंट. देन नहीं, इफ द बैंक गिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, देन ऑन 1st जनवरी 2021 व्हाट बैलेंस इज शो इन हिज अकाउंट. सर बहुत लंबा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बहुत लंबा तो हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है ना. क्या कह रहे भाई जी, बोलो बोलो. इसी टाइप का पेपर में आया था, नहीं तो क्या कह रहे थे. हाँ जी सर, इधर देखिए. अब ये राम नाम का एक पर्सन है, इधर देखिए, ये एक बैंक में गया और उसने कहा कि सर मेरा अकाउंट ओपन कर दो ऑन 1st जनवरी 2020, ठीक है ना. देन आफ्टर 3 मंथ्स ही वो सॉरी इफ राम डिपॉजिट रुपीज 1,000 ऑन 1st जनवरी, तो 1 जनवरी को उसने कितने पैसे जमा किए, 1,000 रुपए, छोड़ दो उसको अलग. देन आफ्टर 3 मंथ माने जनवरी फरवरी मार्च माने 1 अप्रैल को उसने फिर जमा किए कितने, 2,000 रुपए. माने टाइम पीरियड कितना बीता, 3 मंथ का. अरे सही है ना. देन इन मंथ ऑफ अक्टूबर माने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर माने 6 महीने बीत गए, तो 1 अक्टूबर को उसने अगेन 4,000 रुपए जमा किए, यहां बीते 6 महीने. तो कह रहा है इफ द बैंक गिव एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, बैंक जो है सिंपल सा 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो बताओ 1 जनवरी 2021 को उसके अकाउंट में कितने पैसे शो होंगे. माने आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2021 को उसका बैलेंस क्या होगा. बहुत आराम समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे मत करना कि ये 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा या 6 महीने का. ये 1,000 रुपए कितने टाइम तक जमा रहे, पूरे साल. माने इस 1,000 रुपए पे मिलेगा 1 साल का इंटरेस्ट, इस 2,000 रुपए मिलेगा, पहले तो यहां लिख ले 1 साल का इंटरेस्ट, इस 2,000 रुपए माने 3 महीने बाद के, माने इस पे कितने मिलेगा, 9 महीने का इंटरेस्ट. और ये किए कितने, 3 और 6 9 महीने बाद, माने सिर्फ इस पे मिलेगा 3 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है साहब. नहीं आया समझ में, तो इसके 1 साल का इंटरेस्ट निकालो, इसके 9 महीने का इंटरेस्ट निकालो, इसके 3 महीने का इंटरेस्ट निकालो. तो जरा 1 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%, तो 1,000 रुपए में 7% का इंटरेस्ट कितना हो गया, 70 रुपए, तो इंटरेस्ट बन गया इसका 70, ये बन गया. अरे सही है. 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 70 का 3/4 निकाल लो. पहले तो 2,000 रुपए, 2,000 रुपए का 7%, 140. अरे जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दो यार, वर्बली कैलकुलेशन करा तो रहा हूं. 2000 का 7%, 140. 9 मंथ का मतलब 140 × 9/12 कितना आ गया, 105. इसका इंटरेस्ट आ गया रुपीज 105. अच्छा 4000 का 7% 280. 4000 का 7% 280. अब 280 का ये पूरे साल का इंटरेस्ट है 280, तो 3 महीने का कितना होगा, इंटू 3/12
कितना आया? रुपीज 70। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? रुपीज 245। हाँ या ना? तो इसके अकाउंट में कितना बैलेंस शो होगा? ये भी तो शो होगा। दो और एक तीन और चार सात, माने कितना हो जाएगा? रुपीज 7245। ये आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देता है कि पहले वाले इन्वेस्टमेंट पे 6% का मिला, दूसरे पे 4% के मिला और तीसरे पे 3% का मिला। ऐसे भी कर सकता है। तो आपको करना वैसे ही है जैसे करते हो। समझ में आया या नहीं आया? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं सर। क्लियर हो गई बात या रही हुई? अरे मालिक समझ में आ गया। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इफ अ सम ऑफ मनी ट्रिपल इट्सेल्फ इन 4 years देन इन व्हाट टाइम इट विल 10 times ऑफ इट्सेल्फ। सर इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है ए पास सम ऑफ मनी ट्रिपल इट्सेल्फ इन 4 years, माने अगर प्रिंसिपल 1 रुपए तो अमाउंट कितना हो रहा है? 3 रुपए। माने कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 2 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल में? 4 साल में। नहीं आया समझ में? माने 4 साल में कितने रुपए कमाता है? 2 रुपए कमा पाता है। अब क्या कह रहा है? देन इन व्हाट टाइम इट विल 10 times ऑफ इटसेल्फ, माने 1 रुपए के कितने हो जाएं? 10 रुपए हो जाएं। माने कितने रुपए कमाएगा? 9 रुपए कमाएगा। आपसे यही तो पूछ रहा है कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो बेटा रुपए 2 कमाता है कितने साल में? 4 साल में। रुपए 1 कमाएगा कितने साल में? 4/2 year में, बात एक है, 2 साल। तो रुपए 9 कमाएगा कितने साल में? 4/2 × 9 दैट इज इक्वल टू 18 years। नहीं आया समझ में? अभी कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई काट भी नहीं सकता। अरे सरकार ठीक है? नहीं आया समझ में? अभी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी विच इज सेम एज of its rate of interest and is same as of its time period, full stop, if the simple interest is rupees 8000 then find the principal
8000 नहीं है, एक सेकंड रुक जाना, दो जीरो और बढ़ा लो इसमें, तीन जीरो और बढ़ा लो, नहीं दो जीरो बढ़ा लो सिर्फ, ठीक है ना, माने कितना है 8 लाख। देन फाइंड द प्रिंसिपल। हाँ जी सर, बहुत ध्यान से समझेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विच इज सेम एज ऑफ इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, माने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही सम ऑफ मनी है, एंड इज सेम एज ऑफ इट्स टाइम पीरियड, माने जो टाइम पीरियड है वही माने इंटरेस्ट है और वही माने प्रिंसिपल है, माने पी इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू टी के दे रखा है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना रखा है आपको 8 लाख रुपए। तो आपसे पूछ रहा बताइए कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या, भाई किसी एक की वैल्यू पूछे बातें की है, आवाज ही नहीं आ रही है। तो अब ऐसा ही बराबर होता क्या, पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है आर के बराबर है, आर कितना है टी के बराबर है, तो इसे आर क्यूब अपॉन 100 कर लू, इज इक्वल्स टू 8 लाख रुपीज। अरे ठीक है, इसमें एक जीरो कम ही कर दो भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, थोड़ा कोई बात नहीं, आप देखो क्वेश्चन में एट रेंडम बना रहा हूं, इसको जीरो को कम कर दो, ये 80,000 रुपये, ठीक है ना। तो आर क्यूब बराबर इंटू 100 कर देंगे, एक एक दो तीन चार पांच और एक और दो नहीं छह, यहां तक आएगा ये, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 का क्यूब तो 2 हो गया, डबल जीरो का एक सिंगल जीरो आ गया, डबल जीरो का एक सिंगल जीरो आ गया, डबल जीरो का एक सिंगल जीरो आ गया, हाँ है ना, माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 2000% पर है ना, तो प्रिंसिपल भी कितना होगा 2000 रुपए, और टाइम भी कितना होगा 2000 ईयर। ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था, बात समझ में आई या नहीं आई, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ इट्स टाइम पीरियड, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया किसी, अच्छा क्यूब है सॉरी, ये 3 और ये 3, ये 200 होगा, आज जीरो की गलती बहुत हो रही है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल भी होगा 200 रुपए और टाइम भी होगा 200 रुपए, बात समझ में आ गई या नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई। ऐसा ही बराबर होता क्या है, पी आर टी अपॉन 100, या तो पी मान लो या आर मान लो या टी मान लो, तो R इंटू आर इंटू आर आर क्यूब अपॉन 100 बराबर दिस, तो इंटू 100 कर दिया तो R की वैल्यू 200% आ गई, बात समझ में आ गई या नहीं आई। तो यहां पे आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक क्लोज होता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में।